हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ बैंग कट हेयर स्टाइल। जी हाँ, आज मैं अपने बैंग कट करने वाली हूँ और कुछ अलग तरीके से करूंगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है ना, घंटी का बटन, इसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सलाइज, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो को भी आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। उसमें भी मैंने अपने फ्लिक्स को कट करते हुए दिखाया था आपको। आज मैं एक नया हेयर स्टाइल शेयर करने जा रही हूँ जिसमें कि मैं बैंग कट करने वाली हूँ। तो मेरी बेटी भी मुझे काफी दिनों से बोल रही थी कि मम्मी आपने मेरे किए हैं तो अपने भी प्लीज एक बार जरूर कर दिखाओ। और काफी सारे आपके इंस्टा पे भी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कुछ नया ट्राई करूं और बैंग कट आपको ये कर दिखाऊं। इस तरीके का मैं अगर स्टाइल करती हूं तो आपको अच्छा लगेगा और मेरे पर भी सूट करेगा। तो इसीलिए मैं आज आपकी फरमाइश पर ये वीडियो लेकर आई हूं। तो कुछ एक थोड़ा सा न्यू लुक के लिए भी आप बोल सकते हो कि मैं थोड़ा सा चेंज चाहती थी, तो इसीलिए आज मैं अपने ये जो बालों को कट करने जा रही हूँ। तो बहुत डर लग रहा है वैसे यार बालों कट कर दे, क्योंकि ना मुझे मेरे बालों से बहुत ज्यादा प्यार है। और मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसी हैं जो चाह रही थी कि मैं बैंग कट करूं, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें सिर्फ ऐसे ही बाल अच्छे लगते हैं। वो बोलते हैं कि आप अपने बालों में कुछ मत करो। और राज को भी ऐसे ही बाल पसंद है। राज भी बोलते हैं कि अपने बालों में ज्यादा कुछ मत किया करो यार, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो खैर, कोई बात नहीं, आप लोगों ने डिमांड की है तो आपकी डिमांड तो पूरी करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात जरूर ध्यान में रखिएगा, जब भी आप रूम में खड़े होकर अपने बालों को कट करें ना, तो फैन को जरूर ऑफ कर लीजिएगा, वरना आपको सबकी डांट सुनने को मिलेगी। तो मैंने भी फैन को ऑफ कर दिया है। नीचे मैंने न्यूज़पेपर बिछा लिया है फर्श पर। तो यहां पर मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है, सुलझा लिए हैं मैंने बालों में, कोई भी टैंगल नहीं होने चाहिए। तो इसके बाद मैं पीछे के बालों को पौनी बना लूंगी या फिर बन बना लूंगी और आगे के सेक्शन लूंगी बालों के जो कि मैंने उस दिन कट किए थे ना। और आपने सेक्शन कैसे लेना है मैं बता देती हूँ। आईब्रोज जहां पर खत्म हो रही है वहां से आपने बालों का सेक्शन इस तरीके से उठाना है और उसे इस तरीके से लेकर आना है। पीछे के बालों को अच्छे से टाई कर लीजिए। इसी तरीके से मैं आज कट करने वाली हूँ। तो यहां पर मैंने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है, आप देख सकते हो। तो अब मैंने इस तरीके से अपने बालों को लूंगी जहां पर मेरी आईब्रोज खत्म हो रही है और जो मेरे फेस पर पसीना आ रहा है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा क्योंकि फैन मैंने बंद कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने सेक्शन लिया है और आपको वही सेक्शन नजर आ रहा होगा गाइस जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले कट किए थे अपने बाल। तो इन्हीं में से ही मैं थोड़े से और कट करूंगी और इस तरीके से आपने ले लेना है। वी शेप में बालों को लेना है, यानी कि ट्रायंगल शेप में लेना है आपने। और इस तरीके की अगर आपके पास कॉम है तो आप ले लीजिए। और ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर मुझे लिंक मिलता है मैं इसका दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे मैंने ये नॉर्मल मार्केट से ही परचेज की थी। तो इस तरीके से आपने अपने बालों के सेक्शन को ले लेना है। तो ये देखिए, मैंने ट्रायंगल शेप में बालों को ले लिया है। तो इसे अब अच्छे से कॉम कर लीजिए। तो अब मैं पीछे के बालों को बंद कर लेती हूँ, बांध लेती हूँ ताकि ये बाल मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें। और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है सच में। अच्छे से कॉम कर लीजिए, सुलझा लीजिए। अब जितने भी आपको अगर बैंग्स आपको यहां तक चाहिए तो आप ज्यादा बालों का सेक्शन ले लीजिए। और अगर आपको थोड़ी बैंग चाहिए, यानी कि इस टाइप से, क्योंकि मुझे थोड़े ही चाहिए, बहुत ज्यादा मैं यहां तक बैंग नहीं करने वाली हूँ, कट नहीं करने वाली हूँ, तो मुझे थोड़े बाल कट करने हैं स्टाइल के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा ही सेक्शन लूंगी बालों का। तो आपने भी इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। और मुझे सिर्फ थोड़े में ही चाहिए, देखती हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी गाइस फर्स्ट टाइम कट कर रही हूँ और थोड़ा डर भी लग रहा है। तो आपने एक बार में बहुत ज्यादा बाल नहीं कट करने हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैं इन्हें पीछे कर लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़े ही कट करने हैं। पहले मैं थोड़े ट्राई कर देखना चाहती हूँ ताकि एक साथ ना कट हो बाल। तो पहले आप इस तरीके से देख लीजिए कि आपने कहाँ तक कट करने हैं, ओके। तो उसके बाद ही अपने बालों को आपने कट करना है। तो आप पहले देख लीजिए कि आपने कहाँ तक कट करना है बालों को, उसके बाद ही आपने बाकी के बालों को कट करना है। तो मैं इतने बाल कट करने जा रही हूं। अपने नोज के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं कि आपने कहां तक काटने हैं, ओके। मैं तो यहां तक काटने वाली हूं। एक बार में आपने बहुत ज्यादा बालों को कट नहीं करना है, सिर्फ थोड़े थोड़े ही काटने हैं। तो ये देखिए, मैंने कट कर लिया है। बहुत दुख होता है वैसे जब बाल कटते हैं ना। तो अभी मैं थोड़े से और कट करूंगी यहां तक।
ये अभी भी थोड़े ज्यादा बड़े लग रहे हैं मुझे, और थोड़ा सा मैं इस तरीके से कट कर लूंगी इन्हें ताकि ये थोड़े नेचुरल दिखें। बस इससे ज्यादा मैं कट नहीं करूंगी, और शायद आपको थोड़ा सा ये वियर्ड लगे, मतलब थोड़ा अजीब लग रहे होंगे आपको ये, क्योंकि मुझे भी खुद को अजीब लग रहे हैं। फर्स्ट टाइम एकदम से कोई भी हेयर स्टाइल सूट नहीं करता है, इस चीज को तो आप भी जानते हैं, इसलिए मैंने बहुत थोड़े ही कट किए हैं। तो यस, मैं सिर्फ इतना ही कट करूंगी गाइस, बहुत ज्यादा कट नहीं करूंगी वरना और अजीब दिखेंगे, और मैंने कट कर लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बाल जो है मैंने कट कर लिए हैं, आपको शायद थोड़े से अजीब दिख रहे होंगे यार, फर्स्ट टाइम में कोई हेयर स्टाइल सूट नहीं करता है। तो यहां पर मैंने ये प्रेसिंग मशीन ली है, स्ट्रेटनिंग मशीन, और इस तरीके से आपने अगर कहीं बाहर जाना तो स्टाइल कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, मैं बता देती हूँ। इस तरीके से आप इसे प्रेस कर लीजिए, तो अभी आप देख सकते हो अंदर की तरफ आपने करनी है, उसी से ये अच्छा ये हेयर स्टाइल बन जाएगा। आप देख सकते हो आप शायद थोड़े बेटर लग रहे हैं। ये देखिए मैंने कट कर लिए हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं ये मेरा हेयर कट। और बस एक थोड़ा सा चेंज चाहती थी, और इसके साथ अब वैसे आप कुछ और अलग स्टाइल भी कर सकते हो, जो कि मेरे आप आने वाले वीडियोस में देख ही पाएंगे, आप शायद और ज्यादा अच्छे तरीके से देख पाएंगे, नए नए हेयर स्टाइल आपसे शेयर करूंगी। तो यस, बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा, और मैं राज का भी ओपिनियन जान लेती हूँ कि उनको कैसा लगा। और आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा, और नया ये जो मेकओवर किया ये कैसा लगा। और गाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।